चलिए फ्रेंड्स, एक व्हीकल में हमारी एक्सलेटर की प्रॉब्लम है। एक्सलेटर ले ही नहीं रही है। देखिए पे यहाँ पे एक 0649 एक कोड है जो कि हमारी इंजन ऑयल चेंज इंटरवल की है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, देखेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, ये 1242 ये रेड कलर में है फ्रेंड्स, जो कि एक्सलेटर पैडल की लीवर पोजिशन सेंसर की है। उसके बाद है 0132। ये दोनों जो एक्टिव कोड है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 184 टाइम्स आए हुए हैं। दोनों हमारी पोजीशन सेंसर वन की है, तो हमारी ये कोड की वजह से हमारी एक्सलेटर इस व्हीकल में नहीं ले रही है। हम देखते हैं इसके ऊपर, सर्किट के ऊपर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, सर्किट जब हम ओपन किए हैं तो यहाँ पे 6 वायर वाली एक कपलर आती है जो डायरेक्ट हमारी एक्सलेटर पैडल में लगती है, ये असेंबली में। ये एक इसमें दो सेंसर होते हैं फ्रेंड्स, एक लीवर पोजिशन सेंसर वन और पोजिशन सेंसर टू, जिसमें ए बी सी डी ई एफ रहते हैं और 1 2 3 4 5 6 तक रहते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये हमारी एक्सलेटर पैडल है जिससे हमारी एक्सलेटर ले ही नहीं रही है। अब देखते हैं एक्सलेटर पैडल में प्रॉब्लम है या कहीं पे हमारी इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंपली, इस जगह पे इसकी कपलर पे लिखे हुए होते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो हमें यहाँ पे करंट चेक करनी है फ्रेंड्स। 2 वायर में हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, 2 वायर में हमें ग्राउंड मिलनी चाहिए और 2 वायर जो है हमारी सिग्नल की होती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, मल्टीमीटर को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए वोल्टेज तो हमें शो कर रही है। चलिए मल्टीमीटर को यहाँ पे हम कर लेते हैं, तभी आप देख पाएंगे कि हमें किस तरीके से चेक करनी है इसे। 2 वायर में हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए और ग्राउंड भी हमें मिलनी चाहिए 2 में, और 2 सिग्नल के लिए जाती है ईसीएम को, जो हमें इंडिकेट करती है कि हमारी एक्सलेटर कितनी प्रेस हुई है और कितनी हमें डीजल सप्लाई देनी है इंजन को, वो ईसीएम तक सिग्नल देती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4.5, या 4.5 हमें यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद देखिए 2 में 4.5 हमें मिल रही है, 5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली हमारी 2 वायर में है। जब हम सिग्नल में भी डालेंगे तो 5 5 ही शो करेगी। अब हम ग्राउंड की कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर लेते हैं। ग्राउंड की कॉन्टिन्यूटी जब हम चेक करेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूटी रहना चाहिए प्रॉपरली। चलिए हम मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम चेक कर ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वल शो कर रही है। एक मल्टीमीटर से टी एक साउंड आएगी जब कॉन्टिन्यूटी करेक्ट रहेगी। चलिए यहां से हम देख लेते हैं, बॉडी में हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रही है एक वायर में, और दूसरी वायर में जो है हमें मिली है। एक वायर में हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं मिली है, तो हम इस वायर को चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये जो वायर 6 वायर है, ये ईसीएम से डायरेक्टली आती है और इसकी जो ज्वाइंट होती है वो रेडिएटर के पास होती है। तो चलिए हम रेडिएटर के पास आते हैं और इसकी कपलर को निकालते हैं। निकालने के बाद वायर टू वायर कंटिन्यूटी हम चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी एक्सलेटर पैडल टू रेडिएटर तक की जो जॉइंट है उसमें आएगी, उस कपलर में आएगी। वो हार्नेस को हम ओपन करके हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद हम देखेंगे कि जब हमारी कंटिन्यूटी जब मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फीमेल वाली भी निकाल लेते हैं। जब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें मिल जाएगी तो हम ईसीएम की तरफ जाएंगे। अगर हमारी इधर ही कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ से किसी वायर को बाईपास कर लेंगे और इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमारी कोर जो है वो इनएक्टिव हुए हैं कि नहीं। इस वीडियो में फ्रेंड्स, में बहुत सारे लोग कमेंट्स भी किए हैं कि 0649 को कैसे हटाया जाए। तो 0649 है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को आप सिर्फ देखते रहिए और जानते रहिए कि किस तरीके से हमने सारी प्रॉब्लम को सूट आउट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए हम कॉन्टिन्यूटी को हम चेक कर लेते हैं। एक वायर को इस हमारी एक्सलेटर पैडल के पास टच करनी है कलर कोडिंग के साथ, और यहाँ पे भी कलर कोडिंग के साथ हमें टच कर लेनी है, और वायर टू वायर कॉन्टिन्यूटी हमें देख लेनी है कि हमारी जो वायर टू वायर कॉन्टिन्यूटी करेक्ट है या नहीं। अगर हमारी कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम होगी तो हम बाईपास कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 में 100 की 2 में 100 कर दी। अब हम देखते हैं पूरी, 5 में हमें 6 6 वायर है, 6 में भी हमें कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक लगाने के बाद में ये रेजिस्टेंस टाइप की शो कर रही है, बट ये कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे शो नहीं हो रही है एक वायर में, जो ब्लैक और रेड में है। ब्लैक कलर और रेड कलर में स्ट्रिप है, उस वायर में हमारी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, और बाकी 3 वायरों में मिला है। अब देखते हैं 2 वायर में, इसमें भी है।
कॉन्टिन्यूटी, ये ऑटोमेटिकली हमारी जो मल्टीमीटर है वो साउंड करने लगती है जब कॉन्टिन्यूटी करेक्ट रहती है। देखिए यहाँ पे सारी कॉन्टिन्यूटी मिली है, या देखिए ये भी मिली है, बट एक वायर में हमें प्रॉब्लम दिख रही है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, सिंपली उस वायर को पंक्चर करना है। चलिए हम यहाँ से पंक्चर कर लेते हैं। देखिए ये रेड ब्लैक कलर में रेड स्ट्रेप, इसको हम पंक्चर कर लेते हैं। पंक्चर करके एक यहाँ से हम बाईपास करेंगे, इस वायर को डालने के बाद यहाँ से हम डायरेक्टली बाईपास कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर जो कट लगे हुए होंगे या कुछ प्रॉब्लम होंगे इस वायर में, वो हमारी बाईपास हो जाए और हमारी करेक्टली ये एक्सलेटर पेडल वर्क करने लगे। अब देखेंगे हमारी जो कोड है वो इनएक्टिव हो जाएगी, तो हमारी एक्सलेटर पेडल एकदम बिल्कुल सही है। और अगर वो इनएक्टिव नहीं हुए तो हम देखेंगे ईसीएम तक जाएंगे, उसके बाद एक्सलेटर पैडल को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो करेंगे। बट हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारी वो कोड जो है वो इनएक्टिव हो रहे हैं या नहीं। चलिए इसे टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग करने के बाद हम अच्छी तरीके से हम आगे भी हम देख लेंगे, रेडिएटर के पास भी हमें उसी तरीके से सेम कलर की वायर को पंक्चर करेंगे और वहां पे हम अपनी जो ये बाईपास वाली वायर है वहां पे हम डायरेक्टली वहां से दे देंगे हम, और इससे हमारे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम दे देते हैं, क्योंकि ये वायरिंग जो है एक साथ बंच में आती है, तो इसे कट करना थोड़ा मुश्किल है अंदर से देना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऊपर से ही दे लेते हैं, हमारा ये वर्क जो है वो हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे भी हमने कनेक्ट कर लिया है। देखिए इस जगह पे भी हमने ये रेड कलर की टेप यहाँ पे कनेक्ट करके डाल दिए हैं इस जगह पे। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ जाके देखेंगे कि हमारी जो कोड है वो इनएक्टिव हुए हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो कोड है वो इनएक्टिव हो चुके हैं। हमारी जो कोड थी 1242, ये हमारी इनएक्टिव हो चुकी है, 2 टाइम्स दिख रही है यहाँ पे अकाउंट में। उसके बाद नीचे जो हमारी एक कोड थी 0132, ये भी हमारी जो कि काउंट में 184 थे वो भी हमारी इनएक्टिव हो चुके हैं, मीन्स हमारी ये पूरी इनएक्टिव हुई है। चलिए हम रिसेट से पहले हम देख लेते हैं, और एक कोड एक्टिव है 0649, ये फ्रेंड्स 0649। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए हम फीचर्स एंड पैरामीटर्स में जाएंगे। इसके लिए इसको सेट करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स। इसको सेट करने के लिए आप या तो इंजन ऑयल की इंटरवल को आप बढ़ा दें मेंटेनेंस की, और या तो आप इसकी सर्विस को ही डिसेबल कर दें। तो मेंटेनेंस की सर्विस हम चलिए देखते हैं। फीचर्स एंड पैरामीटर्स में एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस की, इसे हम इनेबल है, ये इसे हम डिसेबल कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर से हम हर कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये सॉफ्टवेयर किन्हीं को बाई करना है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं, हमने इसे डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो कोड है वो इनएक्टिव हो गए हैं कि नहीं। फ्रेंड्स बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि ये 0649 जो है, ये कोड आने के बाद हमारी पिकअप रहेंगे या नहीं रहेंगे व्हीकल में। फ्रेंड्स इसमें पिकअप की कोई इशू नहीं होती है, इस कोड पे 0649 जो है ये, इस पे किसी तरह की पिकअप की इशू नहीं होती है। ये जस्ट इंडिकेशन है कि हमारी व्हीकल में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, या तो वो मेंटेनेंस की हो या किसी तरह की हो, बस ये इंडिकेशन है। जिसमें क्या है, ड्राइवर लोग बोलते हैं कि हमारा एमएल बत्ती ऑन हो गया है, जिसके वजह से ये व्हीकल तेल पी रही है या पिकअप नहीं है, ये बहुत तरह का बहाना है उनका। बट ये एक्चुअली डिसेबल करके आप छोड़ देंगे तो आसानी से ये यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने डिसेबल किया और सेंड टू ईसीएम कर दिया, तो यहाँ पे 0649 है वो जो है वो इनएक्टिव हो गया, तो इजिली हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे कोड हमारी जितने भी प्रॉब्लम थे इस व्हीकल में, हम उसे रिसेट ऑल कर लेंगे। क्योंकि क्या है, अब हमारी ना तो ईसीएम में किसी तरह की प्रॉब्लम है और ना ही हमारी एक्सलेटर पैडल में प्रॉब्लम है। ओनली प्रॉब्लम जो थी वो वायरिंग में थी, सिर्फ एक वायरिंग जो ग्राउंड को कनेक्ट होती है वो ग्राउंड नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये एक्सलेटर पैडल वर्क नहीं कर रही थी। अब हम इसे रिसेट ऑल कर लेते हैं। रिसेट करने के बाद हम फॉल्ट कोड को भी चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कमेंट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि यहाँ तक पूरी जो कोड है वो हटती है, इरेज होती है या नहीं। चलिए हमारी कोड यहाँ से इरेज हो गई है, हम यहाँ से कट करके वापस चेक कर लेंगे। आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स यहीं तक।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी जो वीडियो है अब फिनिश हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।